आपके लिए लेके आया हूं नया अपडेट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एडमिशन का। दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा जो कॉम्पिटिशंस होता है टफ वो होता है 11th के लिए। 11th क्लास के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, उनका एडमिट कार्ड आ गया है। तो दोस्तों कैसे करना है उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड, उसके अलावा एमयू का क्या है एडमिशन का अपडेट, किसको मार्क्स देना जरूरी है, एक नोटिस आई है कि आपको मार्क्स भी अपडेट करनी है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे फाइनल ईयर्स के एग्जाम्स हुए हैं और उनके मार्कशीट आए होंगे। तो बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस कोर्सेज में एडमिशन होते हैं मार्क्स के बेसिस पे, जिस कोर्स में एडमिशन होते हैं मार्क्स बेसिस पे उनको मार्क्स अपने जमा करने हैं। तो एडमिट कार्ड की बात करूंगा, उससे पहले ये जो नोटिस आया है ये देख लेते हैं। ये नोटिस आया है कि कैंडिडेट्स जो एडमिशन ले रहे हैं बहुत सारे नॉन टेस्ट कोर्सेज में 2020 से 2021 के लिए, वो लोग अपना फोटोकॉपीज ओरिजिनल मार्कशीट की, जो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसका फोटोकॉपी सबमिट करना है कब तक, 16 नवंबर तक, यानी 16 नवंबर से पहले मार्कशीट का फोटोकॉपी सबमिट करना है। कहां पे सबमिट करना है वो देख लेते हैं। सबमिट करना है फॉर्म हैंडलिंग ऑफिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फॉर्म हैंडलिंग ऑफिस जैसे कि दिया गया है गाइड टू एडमिशन 2020 से 2021, जितने भी नॉन टेस्ट कोर्स है जिसमें टेस्ट नहीं होते मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होते हैं, और उन सारे कोर्सेज में अगर आपने फाइनल ईयर के मार्कशीट नहीं दिए हैं तो जरूर फाइनल ईयर के मार्कशीट आपको फॉर्म हैंडलिंग डिपार्टमेंट में जाके जमा करने हैं, उसी के हिसाब से आपका मेरिट तैयार होगा। अब चलते हैं एडमिट कार्ड की बात। एडमिट कार्ड की बात करें तो 11th क्लास का एडमिट कार्ड आ गया है 11th साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के। तो आपको डाउनलोड करने के लिए देखिए यहां कोर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे 11th साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग, उसके बाद 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स। जैसे साइंस के यहां क्लिक करेंगे उसके बाद ये एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद आप अपना डाउनलोड एडमिट कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी खबर है कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आप लोग फाइनल मोमेंट पे है तैयारी करने के लिए। अभी बिल्कुल तबियत अपना सही रखिएगा, खुश रहिएगा, उसके अलावा हेल्थ पे जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी तबियत खराब होना यानी क्लीन बोल्ड हो जाना। तो अभी अपने सेहत पे ध्यान रखिएगा, खाना खाना, हेल्थ पे ध्यान देना, इसके अलावा जो पुराने पढ़े हुए चीजों को रिवाइज करना उस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि रिवीजन ही मेन की है आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालने के लिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहता तो आप तुक्का भी मारते हैं तो काम चल जाएगा। अभी भी तुक्का लगा सकते हैं, अगर दो एलिमिनेट कर देंगे तो आप दो पे आप तुक्का लगा सकते हैं, आंख बंद करके ब्लाइंड गेस मत कीजिएगा। दोस्तों बहुत अच्छी खबर है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें राय ज्ञान के फिर मिलेंगे। चलते चलते तब तक जो टेक गुड के रफ योरसेल्फ, जय हिंद जय एएमयू।